रोज केक् बनवाई देखिपुर थे तार फास्ट इनग्रीडियंट हूँ नड़िया कोरा। तो देखिपुर थे नड़िया को फ्रेश नड़िया को भांगिकी रखा जाइए। ये आम फाड़े नड़िया नहींचे तो तेणु आम फाड़े नड़िया प्रस्तुति स्टार्ट करवा कौन कर फाड़े नड़िया कोरिकी से कौन कर गरम पा आड करदे। तो नड़िया रसपी आमको गरम पा आड करी समय रखा पड़ो। एपटे देखिपुर थे आप गोटे पत्र में माँ कौन कर गोटे कप मैदा ने जो कप आप यूज करप ही एगेन आप यूज करेंगे। तो आम एवं कौन दुई कप मैदार आम या चाहिए अधिका मैदा नहीं करें। मेम्बर्स अधिका अच्छा तो आप अधिका रोज केक् चाहिए आप अधिका नहीं पारे। तो आम कि ये देखिपुर थे एक कप से ही कप मापर ही आम दुई कप मैदा नहींचु। जो कप आप यूज करप को आप बारंबार यूज करेंगे सब जिनस नागमाप एपट सेपट हो। तो एबे आमे दुई कप मैदा आड करदेलु। तापर माँ कौन कर चाउल को भिजिकी रखी थे तापर ताको चूना कर जो चाउल चूना हुए जदि आप घरे चाउल चूना अच्छी तो आप यूज करूँ ना आप चाउल चूना बनवाक पड़ो। तो गोटे कप चाउल चूना दुई कप मैदा रे गोटे कप चाउल चूना दिगला। आपड़ चाउल चूना आगुरु रखते बहुत भल हम ना आप सांगे सांग तैयारी करके यूज करें। ये देखिपुर थे गोटे कप चीनी निजी दुई कप मैदा गोटे कप चाउल गुंड आ गोटे कप चीनी को ताको भल भाव ग्राइंडिंग करा जाइछि। तो ग्राइंडिंग करके माँ ताको आड कर दे कारण ग्राइंडिंग नक से दाना दाना रहा। तो आप पाउडर सुगर यूज करूँ तो तेनाली आपको ग्राइंडिंग करदे चीनी को। तो ये आमर जो मेन इनग्रीडियंट्स या दरकार से सब रेडीगला। एम कौन करवा ना भल भाव टी गोलवा से आमको टी जो गोल्ला बेले आमको टिके लुण दरकार जमी माँ सब कहते जहाँ भी से डिश बनाते टी लुण आड करते। तो देखिपुर थे हालाका टी लुण आड करेंगे जेहेतु यहाँ स्वीट डिश मिठार जाए। तो मिठार आप लुण जिते कम पक जस्ट खाली स्वाद अनुसार कारण लुण बिना किसी स्वाद नहीं। तो भल भाव देखिपुर थे माँ केमती गोलाउं। तो एपटे कौन करवा आम नड़िया रस या नड़िया रस के या देखु। तो नड़िया को जो आम गरम पाने पकईलु ताको चिपुड़ी नड़िया को काढ़ी देवा दे नड़िया रस बाहरी पड़ो। आपमती भाव चिपुड़ी नड़िया रस काढ़ छाणी देवा छाणीदे रस भल भाव में बाहरी जब आप नड़िया रस माँ तो नड़िया रस देखिए बनाती है नड़िया रस देखिए बनने बहुत टेस्ट लगे। आप चाहिए क्षीर भी आड करें जदि आप क्षीर अप्सन ना तेल आप नड़िया रस करूँ कारण नड़िया रस दे एक्चुअली यहाँ टेस्ट हुए बहुत ही टेस्ट हुए। तो आप चाहिए आप कह कि नड़िया रस देखिए आप रोज केक् बनातु बहुत टेस्टी र। तो देखिपुर थे तो केमती भाव में नड़िया रस कड़ा जा नड़िया को भल भाव चिपुड़ी से रस कड़ा हो देखु। तो नड़िया रसटा एक्चुअली एमती भाव में हुए बहुत जन कौन करते नड़िया को ग्राइंडिंग कर दिखती पा दे से करें। तो एमती कले तार र मिल्कटा पूरा बाहर नड़िया रो। तो देखो आम नड़िया रस एपटे रेडी पूरा एबे चलत माँ जो गोलाउं बैटर से तो बैटर में आउ कौन कौन से आड कर देखा जेहतु आम नड़िया रस तो पूरा रेडी तेणु माँ का पाक को जाकि देखा माँ तापर कौन इनग्रीडियंट यूज कर बहुत इजी रेसीपी आंतु भागमाप मुझे आपको कहली गोटे कप को लेकिन आप भागमाप कले आपणकर किसी भी बिगिड़बन बहुत सुंदर भाव में हो। तो एपटे देखो माँ कौन करना से बैटर में जो नड़िया रस आम एलु ताड कर देखिए आड करेंगे एक थर सब आड करदे ना पाया हो। तो देखि चाहिए आड करेंगे गोलाउे आउतापुर पुणी नड़िया पाटा नड़िया रसटा को यूज करेंगे। तो देखो एपटे चलती तो एपटे माँ गोलाउं एपटे नड़िया रस को यूज कर देले आपण बैटर केते ठीक दरकार जना पड़ो। तो देखो मुझक से कंटिन्यू देखा भिडियोटा को जे बहलिया कि केते पानिया दरकार हुए आप यू जापर। तो आपण को देखा जा मत लगुच क्लीयरली कि केते माँ पा दौंत कि केते पानिया रखुं सीए। तो जेहतु नड़िया रस को यूज करते तो ये भल भाव गोलवा बैटरटा को भल भाव गोल से पूरा भल भाव में मिसीजी जेहतु तेरे मैदा भी अच्छी चीनी भी अच्छी चाउल गुंड भी अच्छी। तो तेणु तार बैटरटा बहुत भल भाव आप फेणला भाया गोलैबे जी आप गोलवाई अच्छी तेल आप यूज करेंगे। तो ये टी पा यूज कले माँ देखु जेहतु तक लगे कि बैटरटा टी ठीक अच्छी तो ताको टिके पाया करने से टे पा दे आपर जब गोलवाई अच्छी जोटा कि आजिकल मार्केट एभेलेबल होूज करेंगे। तो देखते एवं कौन है ना रिफाइन तेल गोटे चामच माँ कहे गोटे चामच रिफाइन तेल यूज हे। तो तेणु नानी एवं गोटे चामच रिफाइन तेल आड करदे। तो माँ देखिपुर थे रिफाइन तेल देलापर से बैटरटा देखते केिकण भाया होगा पूरा
तो तार स्मेल भी बहुत भल भाव आसमी मुझे सब डिश्र तार गोटे गोटे नुआ नुआ टाइप स्मेल थाए तो ये जो तेल आड कलापर ये टे अलग प्रकार बासु एवं तार बास्ना जी न बाहरी आउ गोटे इनग्रीडियंट अच्छी जोटा कि यूज करदे तार बास्ना पूरा चांद चांद हो जोटा कि मुझे देखी जोटा कि रोज केक रोत मेन इनग्रीडियंट्स माँ कह कथा कि रोज केक जगह धड़ा खसा जो थाए तो धड़ा खसा यूज करले बहुत टेस्ट लगे धला खसा जोड़ा थाए समस्त पाखे धला राशि जो सेटा यूज करले बहुत भल आसो कि जेहेतु आम पाखे धला राशि अवेलेबल ना कि मत स्पेशली भल लगे रोज केक रे कला जीरा तो देखो माँ अब कौन करा कला जीरा ऐड कर देखे पार्थिव आपको बेसी ऐड कर करदेवि बेसी करदे भल लगे जो कला जीरा जो स्मेल बहुत सुंदर भाव में आसो तो देखो जस्ट हल्का कम दीटा यूज करके तार स्मेल बहुत बाहर के आसो बे यूज करदेवे ना बहुत मात्र कला जीरा स्मेल हम तो ये देखते बैटर टा पूरा ठीक भाव में रेडी तो देखुवे मुझे माँ टेकिकी देखा बैटर टा के पाया अच्छी बोली दे आपको गोटे अनुमान हो आप आईडिया करदे कि अच्छा एति पा रहा दरकार एमतीका बहलिया हाँ दरकार तो आपको पूरा आम बैटर एवं पूरा फुल रेडी एम दस मिनिट पर छाड़ीद दस मिनिट पर करवा बेस टाइम छाड़बे नहीं दस मिनिट पर छाड़देले सी आमर हो मैरिनेट हो तो आम दस मिनिट पर छाड़द ये देखी पार्थे गोटे कड़ई में पूरा तेल गरम कराई बहुत मात्रा तेल आपको दबाक पड़ो कारण यहाँ बुड़ी हम तेणु बुड़ा अनुसार आपको तेल दबाक पड़ो आ रोज केक् बनवाई तार गोटे फ्रेम अच्छी देखते जोटा कि रोज केक् फ्रेम जोटा कि आप मार्केट अवेलेबल अच्छी आपड़ आनी पारे जो भी सप को गले जो सब फ्रेम मिले खाई खावा जिनस बनवाई से अवेलेबल पाई तो यहाँ हूँ रोज केक् फ्रेम तो आपको कौन कर माँ पंद्रह मिनिट ताको भितर बुड़े रखी थे तेल भितर तो देखते तार प्रोसेस आणिकी जस्ट डीप करके माँ ताको नहीं छाणीपाई तेल बुड़ाऊँ एटा को पूरा बुड़ा जीवनी हाफ बुड़ा जीव जोटा कि माँ मत बारंबार कही कहपीडियो कि पूरा बुड़ न बुड़ी ताको हाफ बुड़ा जीव जस्ट लिटिल बिट बुड़ा जीव दे देखिपे माँ केमती जस्ट उपरक रखिए तेल रू टे उपरक रखिकी जदि आप जेहतु ये स्टार्टिंग हो तेणु आपड़ कौन करेंगे जदि तार फ्रेम रु सांगे सांग न बाहर गोटे छुरी में जस्ट खाली सैट्रु एपट सेपट करके सैट्रु खाली टे पुश कले पूरा फुल भाव में बाहरी पड़ो तो ये कहली ये फ्रेमटा को आप पंद्रह मिनिट गरम तेल में बुड़े रखिए दे डीप कलापर हो पार जदि आप न बुड़े तो हमनी तो देखते माँ पूरा यहाँ बुड़ी रखिंट बुड़ी रखला हिंटापरला केते सुंदर भाव में देखो आम रोज केक् रेडीगला बाहरी आसला तो यहाँ आम फ्राए हो जा बहुत मात्रा रे फ्राए करे ना से कला पड़ज तो देखते केते सुंदर भाव में कलर देखा व्हाइटिश तो ये आपको आम रेडिश करके काढ़ पूरा डीप करके करें ये टेस्टी लगे ये जिनस स्नाक्सटा आप चा सहित कॉफी सहित खाई बहुत सुंदर स्नाक्स जोटा कि आप स्टोर भी करेंगे तो आउ थे मुझे देखुची माँ केमती डीप करीप करके छाणुं तो आपको जमी कहली टी उपरक रखिए तेल रू तार जो फ्रेमटा को जब पूरा बुड़े देते हैं हमनी तेणु टी उपरक रखिले से बहुत भल भाव में बाहरी आसो तो ये आम देखते गरमा गरम रोज केक् रेडीगला केतर भाव में बाहरी आस फ्रेम रु सो ये था पूरा सजे रोज केक को देखु तो ये आम रेडी टेस्टी टेस्टी गरमा गरम रोज केक् जोटा कि बहुत थंडा हेले जिते थंडा हम से टेस्ट बढ़ार आईटा गरम थी पथपथ थाए थंडा होगले कुड़कुड़ हो तो जो मैंने कुड़कुड़ खावाक चाहूंट क्रिस्पी खावाक चाहूंट बहुत बेस्ट डिश आप चाहिए चीनी जगह सुगार फ्री भी यूज करेंगे सुगार फ्री को गुंड करके यूज करेंगे जो मैंने चीनी ठू खावाक चाहूना से सुगार फ्री यूज करूँ आउ तो यहाँ बहुत बढ़िया नड़िया तैयारी जेहेतु तो भितर टेस्ट आप मैंने इमाजिन करेंगे केते टेस्टी जेहतु नड़िया रस गोटे डिश तो देखते बहुत सुंदर है नड़िया रस रु आप आगु आम बहुत जिनस तैयारी करूँ नड़िया पकईकि बिस्कुट तैयारी करूँ तो नड़िया रु आम से कर रोज केक् जोटा कि थंडा हेल्ले बेस भल लगे ताको आम एवं कौन करोटे स्टोर में रखिदेबू देख डेली चा सहित खाबू सो आपको ये रेसीपी केमती लगे मत निश्चय जनइबे बहुत टेस्टी रेसीपी आउ डेफिनेटली ट्राए करके मत जनातु प्लीज मत कमेंट्स जनइबे जदि आपन रेसीपी तैयारी करछन्ती आपन को केमती लगिला धन्यवाद।